दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में जीएसटी की अगर बात की जाए तो बिहार में खरीदारी लोगों की घटी है, लोगों की खरीदारी की क्षमता घटी और जीएसटी का बिहार में ग्राफ भी गिर गया। जहां 2021 की तुलना में 22 में जीएसटी संग्रह 1% घट गया, 21 की अपेक्षा 22 में 1% जीएसटी घटी है। जुलाई 2021 में 1281 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुए थे, तो वहीं इस वर्ष जुलाई में घटकर 1264 करोड़ रुपया रह गया है। इस अवधि में 10 बड़े राज्यों में जीएसटी संग्रह की औसत 10% में से वृद्धि दर्ज की है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र का जीएसटी कलेक्शन 20,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं बिहार के पड़ोसी राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश में इस अवधि में जीएसटी संग्रह में 18% का इजाफा हुआ। झारखंड ने इस अवधि में 22% और पश्चिम बंगाल में 28% का संग्रह अधिक हुआ और बिहार की हालत खस्ता है। अर्थशास्त्री और व्यापारी ऋणात्मक जीएसटी संग्रह को राज्य के विकास के लिए खतरनाक संकेत मान रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे। बताते चले कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष केंद्र सरकार को 28% ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 22 में केंद्र को 1.49 लाख रुपये जीएसटी संग्रह हुआ है। कर संग्रह में कमी के कारण अर्थशास्त्री और पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री विभाग के सेवानिवृत्त HOD प्रोफेसर राज लक्ष्मी कहती है कि केवल बिहार में जीएसटी संग्रह ऋणात्मक होना गंभीर बात है। बिहार गरीब राज्य है, ऋणात्मक जीएसटी संग्रह लोगों की कम होती खरीद क्षमता का संकेत है। बाजार से बिहार के लोग दूर होने लगे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण बिहार के लोगों की परेशानी देश में सबसे ज्यादा बढ़ी है। बाजार में मांग कम हो गई है। बिहार राज्य खुदरा विक्रेता संघ के उपाध्यक्ष विजय कुमार पटवारी कहते हैं कि दलदली जैसी खाद्यान्न मंडी में भी ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। अब आप इसे सोच सकते हैं कि बिहार की हालत कितनी खस्ती हो गई। बिहार को गरीब राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। बिहार में लोगों की खरीदारी क्षमता घटी है। लोगों को अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की हालत ज़्यादा खस्ता है, यह मैं नहीं अर्थशास्त्री बताते हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के छोटे मोटे जितने भी कल कारखाने थे बंद हो गए और बिहार में रोजगार का साधन नहीं है। लोगों की खरीदारी क्षमता घट गई। पिछले साल की अपेक्षा इस साल 1% जीएसटी वसूली कम हुई है। बिहार में बड़े बड़े वादे नीतीश कुमार की सरकार करती है, लेकिन बिहार की हालत खस्ता है, यह अब जग जाहिर है। अब हिंदुस्तान अखबार में भी जो प्रकाशित समाचार हुए हैं, आप उससे भी स्पष्ट पढ़कर समझ सकते हैं कि बिहार की हालत बद से बदतर हो गई है। ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों के कारण भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, इससे भी जीएसटी संग्रह में कमी आई है। छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए हैं। जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं वो चरमरा चुके हैं और नीतीश कुमार दम भरते हैं कि बिहार में विकास है, जबकि विकास के नाम पर ढाक के 3 पात देखे जा सकते हैं। आम लोगों की खरीदारी की क्षमता महंगाई के कारण घट गई है, यह अब स्पष्ट है, आंकड़ा स्पष्ट है। राज्य की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में 17% बढ़ोतरी, गुजरात में 20% बढ़ोतरी, पश्चिम बंगाल में 28% बढ़ोतरी, झारखंड में 22% बढ़ोतरी, उत्तर प्रदेश में 18% बढ़ोतरी और बिहार में 1% की घटती जीएसटी चिंता का कारण बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।